जिसने कहा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, उस प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रवचन, आराधना और गवाही के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को ढेर सारे आशीष कृपा मिले, यही हमारा प्रार्थना है। प्रीत देवा स्तुति महिमा, 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 प्रीत देवा, प्रीत देवा, प्रीत देवा, प्रीत देवा, प्रीत देवा, प्रीत देवा, हालेलुया, 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 हालेलुया। येशु क्रिस्त स्तुति महिमा, 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 येशु क्रिस्त, येशु क्रिस्त, येशु क्रिस्त, येशु क्रिस्त, येशु क्रिस्त, येशु क्रिस्त, हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. पावनात्म स्तुति महिमा 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 पावनात्म 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 पावनात्मा हालेलुया 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 हाले Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Yeshu, 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 Yeshu,
यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे यीशु, यीशु यीशु मेरे यीशु। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगी को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन लिया गया है संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 12 तथा 13। एक बार और इस वचन को मैं पढ़कर सुनाता हूं। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगी को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है। और वचन 13 में ऐसा भी प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमको लगता होगा कि चालीसा का समय अब तक शुरू नहीं हुआ है, तो इस तरह का संदेश का मतलब क्या है, ये कुछ पहले नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुनना, ये जरूर सुनना कि आपको अगर परिवर्तन आपके जीवन में लाना है, आपको अगर बदलना है, तो चालीसा के समय के लिए नहीं रुकना है। चालीसा का समय हमारे कलीसिया ने विश्वासियों को दिया है ताकि हम ईश्वर के और करीब आए। ये तो सही है, उपवास और प्रार्थना के जरिए हम ईश्वर के करीब आते हैं। 2 हफ्ते का समय है जब हम चालीसा के उस 40 दिन के जो उपवास और प्रार्थना के समय में प्रवेश करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर हम सचमुच बदलना चाहते हैं, अगर हम सचमुच हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो क्या हमें उस चालीसा के समय के लिए ही रुकना पड़ेगा और अब तक हम पाप में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे? ठीक है, उस समय को आने दो, तभी हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल नहीं। जैसे वचन में लिखा गया है, आज अगर तुम ईश्वर के वाणी को सुनते हो, प्रभु के आवाज सुनते हो, अपने हृदय को कठोर नहीं करना, अपने हृदय को पत्थर जैसे कठोर नहीं बनाना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे भी लगा कि पवित्र आत्मा मुझसे क्यों बता रहा है कि आज इस वचन को लोगों तक पहुंचाओ। चालीसा के लिए और भी 2 हफ्ते का समय बाकी है। लेकिन फिर मैंने जब इस पर मनन चिंतन किया, अगर आज के दिन इस वचन को सुनकर आपको लग रहा है कि स्वर्ग से कुछ प्रकट हो रहा है, रेवलेशन मिल रहा है, तो क्या आप चालीसे का जो समय है, चालीसा का जो समय है 2 हफ्ते बाद, आप उसके लिए रुकेंगे या आज ही नहीं बदलेंगे? बदलना है तो आज ही बदल सकते हैं। अगर परिवर्तन करना है तो आज ही आपको ठान लेना है कि आज से ही मेरा परिवर्तन होगा। कल किसने देखा है? तो ये कहावत हम सुनते आए हैं, कल करे सो आज करे सो अब जो है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये जो समय है उचित समय है। ये वचन प्रभु यीशु आप तक पहुंचा रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि परिवर्तन का समय आ गया है, हृदय परिवर्तन का समय आ गया है, जीवन में बदलाव लाना है। उसके लिए आपको कल तक नहीं रुकना है, आज ही ये बदलाव लाना है। और बदलाव लाना तो प्रभु यीशु सबके जीवन में चाहते हैं, लेकिन सब ये बदलाव नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु चाहता है कि सबका जीवन बदले, सभी अंधकार से बाहर निकलकर रोशनी में रहे, लेकिन सब ये बदलाव नहीं चाहते हैं।
और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप इस कार्यक्रम के जानकारी आपके मित्रों को बताओगे कि ऐसा कोई कार्यक्रम है जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर पोटा से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आप जरूर देखना, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। समय थोड़ा ही है, लेकिन आपको याद रखना है, एक वचन काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में हमने सुना है, एक ही वचन काफी था उसके जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि लिए कई बार वचन तो अच्छी बात है, वचन सिर्फ ज्ञान के रूप में रहते हैं, लेकिन अगर वचन हमारे जीवन में कोई बदलाव लाएंगे तो जरूरी है कि ये स्वर्ग से प्रकट होना चाहिए। इट शुड बी अ रेवलेशन। और जब ये स्वर्ग से प्रकट होता है, तब हमारे जीवन में ये तलवार का काम करता है। संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में भी हमने देखा, एक ही वचन काफी था उसके जीवन को बदलने के लिए। मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारा दुनिया जीत ले, लेकिन अपने आत्मा को गवा बैठे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक ही वचन काफी था संत फ्रांसिस जेवियर को बदलने के लिए। उसका परिवर्तन हुआ, पूरे तरह से परिवर्तन हुआ। क्या आप भी इस तरह से परिवर्तन चाहते हैं आपके जीवन में? कल के लिए नहीं रुकना, वचन सुनते वक्त ही मुझे विश्वास है कि वचन आपको जरूर स्पर्श करेगा। और प्रभु यीशु यहां पर साफ साफ कहते हैं कि वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। प्रभु यीशु ने जैसे जकेस को पापी कहकर नहीं बुलाया, उसे संबोधित किया, उनका नाम लेकर बुलाया। प्रभु यीशु ने नहीं कहा पापी तुम उस पेड़ से नीचे उतर आओ, प्रभु यीशु ने कहा जकेस तुम इस पेड़ से नीचे उतर आओ, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और प्रभु यीशु हमें नाम लेकर बुला रहा है। प्रभु यीशु जानता है कि हम पाप में डूबे हुए हैं, हमारा जो है पाप से लगाव है, ईश्वर से लगाव नहीं है लेकिन पाप से लगाव है। और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु बुलाता है, धर्मियों को नहीं बुलाता, प्रभु यीशु पापियों को बुलाता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस दुनिया में हम आज रहते हैं वो पाप में एक तरह से डूबा हुआ है। हर जगह देखे तो अंधकार ही अंधकार है, कहां कहां अंधकार ने प्रवेश नहीं किया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह अंधकार है इसलिए हम भी अंधकार में रह रहे हैं। नहीं, अगर हर जगह अंधकार है तो हमारे सामने विकल्प है कि हम अंधकार को चुन सकते हैं या रोशनी प्रकाश को चुन सकते हैं। हमें ये चुनना है। ईश्वर ने हमें ये इच्छा शक्ति दिया है कि हम रोशनी को चुन सकते हैं या अंधकार को चुन सकते हैं। ईश्वर ने हमें ये इच्छा शक्ति दिया है, विल पावर दिया है, चॉइस दिया है। हमें ये चुनाव करना है। हमारे सामने हमेशा विकल्प होते हैं। अगर हम गलत चुनाव करते हैं तो इसका पूरा पूरा जिम्मेदारी हमें ही उठाना है, हमें ही लेना है कि हमने ये गलत चुनाव किया है। अगर हम सही चुनाव करते हैं तो इसका श्रेय हमको ही जाता है कि हमने सही चुनाव किया है। और आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इस वचन द्वारा कहते हैं कि निरोगी को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, निरोगी को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। अगर आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस बात को जान लो कि ये रोग कोई शरीर का रोग नहीं है, ये रोग कोई मन का रोग नहीं है, बल्कि ये रोग आत्मा का रोग है और इस रोग का नाम है पाप। प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर आए और उसका एक ही उद्देश्य था, पापियों को रक्षा दे, उद्धार दे। उद्धार दिलाने वाला एक ही नाम है इस पृथ्वी पर और वो नाम है यीशु। प्रभु यीशु के जन्म के पहले ही स्वर्गदूत ने कहा, तुम उसका नाम यीशु रखोगे क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उन्हें बचाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारा वही प्रभु यीशु है जो कहता है निरोगी को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत है। अब आप लोग कहोगे कि हम पहले जैसे नहीं,
हम पहले पाप में थे, ठीक है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं। लेकिन आप जो कहते हैं कि हम पहले जैसे नहीं, आप जानते हैं कि आपका पहले का जो मित्र है, मित्रता, अब वो आपका दुश्मन है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, पहले जब मैं पाप में डूबा हुआ था, मेरा दोस्त शैतान था। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं, मेरा दोस्त शैतान था। लेकिन जब मैंने यीशु को स्वीकार किया, जब मैंने ये कबूल किया कि मैं रोगी हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने आप को इस पाप से, इस रोग से छुड़ा नहीं सकता, मुझे ईश्वर की जरूरत है, और मैंने जब यीशु को स्वीकार किया, मेरा जीवन बदल गया। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे अंदर जो अहम है, जो मैं हूं, वो अभी भी जीवित है। उसके साथ लड़ाई करना है, जारी रखना है। जिस दुनिया में मैं रहता हूं वो पाप में डूबा है। मुझे बार बार पाप को ना कहना है, और मेरे पहले का दोस्त आज मेरा दुश्मन बन गया है, वो मुझे काली नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर मैं पहले अंधकार में था, अब मैं यीशु के साथ हूं, तो मुझे यीशु के साथ रहना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का ये जो संदेश है सिर्फ पापियों के लिए नहीं है कि यीशु उन्हें पापों से छुड़ाता है, यीशु उन्हें नया जीवन देता है। ये तो सही है, बिल्कुल 100% सही। यीशु आपको एक नया जीवन देना चाहता है। यीशु आपको बताना चाहता है कि आप पाप में हो, आप पाप के गुलाम हो, लेकिन जब आप यीशु को स्वीकार करोगे, उद्धार देता है वो, रक्षा दिलाता है। दूसरी बात यह है कि अगर यीशु ने आपको स्पर्श किया है, कई साल पहले होंगे ये, लेकिन पाप के साथ आपका लड़ाई जारी है, इसीलिए जरूरी है कि आपको यीशु के साथ रहना है हर पल, 24/7, 24x7 आपको और मुझको यीशु के साथ रहना है। नहीं तो आसानी से हम ढह जाएंगे, पाप में ढह जाएंगे, आसानी से हम पाप में ढह जाएंगे। तो ये जो डॉक्टर है, ये जो वैद्य है जिनका नाम है यीशु, उस यीशु के साथ टिके रहना आपका और मेरा जिम्मेदारी है। नहीं तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि शैतान, पाप जो है शक्तिशाली है, लेकिन आपका और मेरा यीशु, आपका और मेरा वैद्य जो है सर्वशक्तिमान है। अगर आपको पाप से ना कहना है, पाप को ना कहना है, प्रलोभन को ना कहना है, तो जरूरी है कि आप और मैं यीशु के साथ बने रहे, ये वैद्य के साथ बने रहे। 20 साल पहले यीशु ने मुझे स्पर्श किया, अंधकार से बाहर निकाला। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो पटरी है मैं वो बदल नहीं सकता, मैं ढह नहीं सकता या मैं ढह नहीं जाऊंगा। ये मुमकिन है। ये जानकारी बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए कि 20 साल पहले, 25 साल पहले प्रभु यीशु ने मुझे स्पर्श किया तो आज मैं पाप में नहीं गिरूंगा। ये एक गलत बात है, ये सोच ही गलत बात है। मैं पाप में गिर सकता हूं, गिर सकती हूं, ये बहुत जरूरी है जानना। और जब आप इस बात को जान जाओगे तो हमेशा प्रभु यीशु के साथ बने रहोगे, और यही आपका और मेरा गारंटी है कि हम पाप को हरा सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं, प्रलोभन को हरा सकते हैं। जब तक हम इस वैद्य के साथ टिके रहेंगे, साथ रहेंगे, प्रार्थना के जरिए, मीसा के जरिए, वचन के जरिए, पारिवारिक प्रार्थना के जरिए, और सबसे बड़ी बात है कि उनके आज्ञाओं का पालन करना, पवित्र आत्मा की शक्ति में रहना और आत्म त्याग करना। अगर हम ये सब सीखेंगे तो हम इस वैद्य के साथ टिके रहेंगे। और याद रखना, जब प्रभु यीशु आएंगे तो वो सिर्फ अकेले नहीं आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ आएंगे हमें अपना घर में ले जाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज इस समय आप पाप में डूबे हुए हो तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया है। अगर प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में वो बड़ा कार्य किया, मुझे अंधकार से निकालकर रोशनी में ले आया,
तो आपको भी वो जरूर करेंगे। अगर आप प्रभु यीशु के साथ बहुत सालों से एक बने हैं तो बने रहना। आपका और मेरा उम्मीद जो है सिर्फ प्रभु यीशु में है, उसके साथ टिके रहना। आपका और मेरा सबसे बड़ा लड़ाई जो है पाप के साथ है, और किसी के साथ नहीं, बीमारी के साथ नहीं, पाप के साथ है। अगर इस बात को समझेंगे तो हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे। हम पवित्रता के बारे में बहुत कम सुनते हैं, हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। अगर आप पाप में डूबे हुए हो, पाप का गुलाम हो, तो याद रखना ये संदेश आपके लिए है। प्रभु यीशु आपके लिए आए हैं, आपके लिए क्रूस पर आपका उनका लहू बहाया है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाता हूं। अगर आप बहुत साल पहले पाप में थे लेकिन अभी आप पाप में नहीं हो, तो जान लेना कि हमारा जो लड़ाई है पाप के साथ अंत तक चलता रहेगा, और इस प्रभु यीशु जो दिव्य डॉक्टर है उसके साथ टिका रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम अंजलि तिर्की है, मैं इंदौर डायसिस मध्य प्रदेश हूँ। बेसिकली मेरा बचपन से इतना विश्वास नहीं था जीसस के लिए, मतलब मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत देखा है जीसस के लिए विश्वास में, पूरा लीन होना, मिस्सा में अच्छे से भाग लेना, बट मेरा उतना नहीं था क्योंकि दोस्तों के साथ मिस्सा में बैठे तो बातें करना वो सब था। बट अभी 2 साल पहले ही मुझे डायसिस में आने का मौका मिला था, तो उधर मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था एज अ डायसिस वॉलेंटियर कोऑर्डिनेटर, एंड देयर आई हैव शेयर्ड अ टेस्टिमनी दैट आई डोंट बिलीव ऑन जीसस। बट देन मुझे मौका मिला जीसस यूथ में आने का। वहाँ जीसस यूथ के कुछ कैंडिडेट हमारे इंदौर में आए थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जीसस का लव जो रहता है वो अनकंडीशनल इनफाइनाइट है, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो उसके बाद मैंने जागो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करी थी, उधर से भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला था कि मतलब जीसस का प्यार हर एक चीज़ से ऊपर है। उसके बाद अभी हम लोग डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आए हैं, जहाँ पर जब मैं फर्स्ट जे आई थी 15th of December, उस रात में मुझे विजन्स आ रहे थे, मीन्स कुछ आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी वो। उस चीज़ से मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। उस चीज़ को मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने प्रेयर करी मेरे लिए, मैंने पाप स्वीकार किया। उसके बाद वो फादर ने मुझे बताया कि तुमको जो आत्माएं भटक रही है वो तुम्हें बोल रही है कि हमारे लिए प्रेयर करो, हमें चंगाई देने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो। ये विजन मैंने करी उनके लिए प्रार्थना, बट ये कल रात भी हुआ है मेरे साथ। फिर कल पूरी रात मुझे आवाज़ें आ रही है, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं अकेले सो रही हूँ, कोई भी रूम में नहीं है, बट वॉइस आर सो लाउड। देन आज मॉर्निंग में एडोरेशन हुआ, फादर ने ब्लेसिंग्स दी, एट दैट टाइम जीसस मेरे साथ थे। मैं जिस लड़की पर हाथ रख के प्रेयर कर रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर से कुछ एनर्जी निकली है, पॉजिटिव एनर्जी उस लड़की पर आशीष देने पे। सो आप लोग भी आइए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी है काउंसलिंग के थ्रू आपके जो क्वेश्चन है वो सारे क्लियर होंगे, तो ज़रूर आइएगा। जय शिव। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया 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 के पास आए। लंगड़े, बैरे, लूले, थके, हारे हुए लोग, ये सब प्रभु यीशु के पास आए। जो दुखी थे वो प्रभु यीशु के पास आए, जो तृप्त थे वो भी प्रभु यीशु के पास आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही प्रभु यीशु है, कल आज और आने वाला कल कभी नहीं बदलता। हिब्रानियों को लिखा गया पत्र अध्याय 13 और वचन 8 में यह लिखा गया है, कल आज और आने वाला कल हमारा प्रभु यीशु हमेशा एक जैसा रहता है, वो कभी नहीं बदलता। हम सब प्रभु यीशु के सामने हैं। कुछ लोग घुटने टेके हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग अपने हाथ उठाए हैं, लेकिन हम सब प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं। ये वही प्रभु यीशु है जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर चले, फिरे, प्रवचन किए, लोगों को चंगा किया। ये वही प्रभु यीशु है जिसके सामने हम उपस्थित हैं। ये वही प्रभु यीशु है जो आज हमें स्पर्श करना चाहता है। ये वही प्रभु यीशु है जो आज हमें चंगा करना चाहता है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमें हमारे पापों को माफ करना चाहता है, क्षमा करना चाहता है। और प्रभु यीशु हमारा प्रभु है, आपका और मेरा प्रभु है, ये कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, हम उसे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये वही प्रभु यीशु है जिनके पास लोग आए, सैकड़ों लोग आए। पिछले 2000 साल से प्रभु यीशु के पास लोग आते रहते हैं और प्रभु यीशु ने कभी निराश जाने नहीं देता। प्रभु यीशु के पास हर तरह के लोग आए, प्रभु यीशु के पास जरूरतमंद लोग आए। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, फिर भी आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के बिना आपका जीवन अधूरा है। आप जानते हो कि प्रभु यीशु के बिना आपका जीवन अधूरा है। आप जानते हो कि प्रभु यीशु के बिना आप भी पाप में डूब सकते हो। आप जानते हो कि प्रभु यीशु के बिना शैतान, जो आपका और मेरा आत्मा का दुश्मन है, वो हम पर प्रहार करेगा और आसानी से जीत जाएगा। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के बिना आपका जीवन में कोई मतलब नहीं है। तो अलग अलग तरह के लोग आज प्रभु यीशु के पास आए हैं। ये वैसा ही है जैसे 2000 साल पहले हुआ करता था। अलग अलग तरह के लोग प्रभु यीशु के पास आते थे। जरूरतमंद तो हर एक व्यक्ति है। हो सकता है कि आप भी आपके जीवन में बहुत तृप्त हो, लेकिन आपको पता है कि यीशु के बिना आप हार जाओगे।
हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी जरूरत है, आर्थिक समस्या, परिवार में एक तरह से विभाजन हुआ है, परिवार में कोई सुख नहीं, शांति नहीं, आप बेरोजगार हो, आप जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर माहौल जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, आप जिस पल्ली में हो वहां पर भी माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, आप एक तरह से अस्वस्थ हो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सही व्यक्ति के पास आए हो। यीशु के पास आना ही उचित है, ये उचित है, ये सही है कि जब हम तकलीफ में हो तो यीशु के पास आए। अगर आप तकलीफ में ना भी हो तो यीशु के पास आना सही है। ये वही प्रभु यीशु है जिसकी हम आराधना करते हैं। जीवन देने वाला प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु हमारा यीशु है, शांति देने वाला प्रभु हमारा यीशु है, आनंद देने वाला प्रभु हमारा यीशु है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमारे जीवन में प्रकाश रोशनी देता है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमारे जीवन का अंधकार पूरे तरह से मिटा दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के सामने आना ये सबसे बड़ी बात है। यीशु के सामने हमारे प्रार्थना और याचनाओं को समर्पण करना बड़ी बात है। कल, आज और आने वाला कल कभी नहीं बदलने वाला। यीशु के सामने हम उपस्थित हैं। हम में से कुछ लोग अकेले ही इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हम में से कुछ लोग हमारे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हम में से कुछ लोग हमारे मित्रों के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अगर आप यहां पर उपस्थित हो, अगर आज इस पूरे कार्यक्रम में यहां पर हो, तो याद रखना है कि यीशु की दया और करुणा के कारण ही हम सब प्रभु यीशु के सामने हैं। नहीं तो आज इस समय हम और कहीं पर भी हो सकते थे। हो सकता है कि आप बहुत दुख और तकलीफ में हो और आपको लगा कि किसी ने ऐसे कहा कि इस कार्यक्रम को देखना, आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम को देखना। जरूर प्रभु यीशु आपको स्पर्श करेंगे। आपने ये सुना, आपके मित्रों ने कहा होगा, आपके परिवार वालों ने कहा होगा, आपने वो सुना और आपने वो किया। करना भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप दुखी हो, आप तकलीफ में हो, अगर आप कोई कारण नहीं है, बिल्कुल कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, फिर भी आप प्रभु यीशु के पास आए हो, तो आपने सही चुनाव लिया है। प्रभु यीशु आपको निराश जाने कभी नहीं देगा। कल जैसे प्रभु यीशु थे, आज भी प्रभु यीशु वैसा ही है, आने वाला कल भी प्रभु यीशु बदलने नहीं वाला। प्रभु यीशु आपके जीवन के दुख निकालने में, हटाने में सक्षम है। इसीलिए हम इस प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु, प्यारे यीशु को हम आराधना करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि वो सक्षम है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कौन कौन प्रभु यीशु के पास आए? दुखी जो थे, तकलीफ में जो थे, निराशा में जो थे, वो सब प्रभु यीशु के पास आए। और कैसे गए? क्या वो उसी अवस्था में गए? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु उनके जीवन को जब स्पर्श किया तो सब कुछ बदल दिया। आज आपको विश्वास करना है कि कल प्रभु यीशु, जिसने कई सारे चमत्कार किए, आज भी हमारा प्रभु यीशु वैसा ही है। हमारे जीवन में वो चमत्कार करना चाहता है, हमें पापों से छुटकारा देना चाहता है, हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ है उसे हटाना चाहता है, हमारे परिवार में जो विभाजन है, जो दीवार खड़े हुए है, उसे तोड़ देना चाहता है, और हमारे परिवार में वो एकता लाना चाहता है। हमारे बच्चे हमारे नहीं सुनते, उन याचनाओं को हमने प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण किया है। प्रभु यीशु आपके बच्चों को स्पर्श करेंगे, वो आपके आज्ञाओं का पालन करेंगे, वो देखेंगे कि कैसे उनके माता पिता उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं।
आपके बच्चे आपके पास लौटेंगे, आपके बच्चे आपके पास लौटेंगे, आपको यह विश्वास करना है। युवा पीढ़ी है, आपको लगता होगा कि वो आपके नहीं सुनेंगे, यीशु के नहीं सुनेंगे। आज इस आराधना में आपको विश्वास करना है कि आपका प्रभु यीशु, मेरा प्रभु यीशु, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके बच्चे आपके पास लौटेंगे, यीशु के पास लौटेंगे। जो बीमार है प्रभु यीशु आज उन्हें स्पर्श करेंगे। जो पाप में पूरे तरह से फंस गए हैं, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु आपको छुड़ाएंगे। वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है, ताकि जो पापी है वो अंधकार में नहीं रहे लेकिन प्रभु यीशु के रोशनी में रहे, प्रभु यीशु के प्रकाश में रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आराधना का समय छुटकारा का समय है, चंगाई का समय है, ये आराधना का समय अद्भुत कार्यों का समय है। आपको ये विश्वास करना है कि इस आराधना के समय प्रभु यीशु मुझे स्पर्श कर रहा है, मेरे परिवार को स्पर्श कर रहा है, मेरे जीवन को स्पर्श कर रहा है। मैं कल जैसा नहीं रहूंगा, मैं बदलूंगा जरूर। मैं इस बीमार अवस्था में नहीं रहूंगा, मैं इस उदास अवस्था में नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु आज मुझे स्पर्श कर रहा है, आज मैं जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु उसे स्पर्श कर रहा है। प्रभु यीशु मेरे बच्चों को स्पर्श कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे सुनेंगे, मेरे बच्चे मेरे यीशु के पास आएंगे। ये आपको विश्वास करना है। कल आज और आने वाला कर कभी नहीं बदलने वाला, यीशु हमारे सामने है। आराधना के योग्य है प्रभु यीशु, स्तुति के योग्य है। आपने कुछ नहीं देखा होगा बदलते हुए, लेकिन धन्यवाद देना, धन्यवाद देना कि प्रभु यीशु हम आपके सामने बैठे हैं, उपस्थित है, आंसू लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। प्रभु यीशु तू हमारे आंसुओं को देखता है, प्रभु यीशु तू हमारे परिस्थिति को देख रहा है। प्रभु यीशु अगर 2000 साल पहले तूने चमत्कार किया तो आज मेरे जीवन में भी चमत्कार करना। प्रभु मैं अपने आप को अपने परिवार को तेरे चरणों में समर्पण करता हूं। हम तेरा ही सेवा करेंगे प्रभु, इसके बाद हम तेरा ही सेवा करेंगे। अगर आप पाप के गुलाम थे, आपको अपने जीवन प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना है और कहना है कि कल तक मैं शैतान का सेवा कर रहा था, लेकिन आज के बाद प्रभु यीशु मैं सिर्फ आपका ही सेवा करूंगा, आपका ही सेवा करूंगा, आपका ही पूजा करूंगा, स्तुति करूंगा, आपको ही धन्यवाद दूंगा, मैं आपका ही बना रहूंगा। प्रभु ये कृपा आप मुझे देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आराधना का समय है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में उतर आता है, हमारे परिवार में उतर आता है, हमारे परिस्थिति में उतर आता है। वो आना चाहता है, हमें बस विश्वास से उन्हें प्रवेश देना है। आइए प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए, आइए प्रभु यीशु हमारे परिवार में आइए, आइए प्रभु यीशु हमारे बच्चों के जीवन में आइए, आइए प्रभु यीशु हमारे इस कठिन परिस्थिति में आइए, आइए प्रभु यीशु हमारे आर्थिक समस्या में आइए, आइए प्रभु यीशु जरूर आइए प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु को निमंत्रण देंगे। प्रभु आप कभी बदलते नहीं, आज भी आप वही प्रभु है जो 2000 साल पहले थे। हम आपकी आराधना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हृदय में ये विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु से ये आशीर्वाद स्वीकार करेंगे, ये विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु ने इस आराधना के समय आपको स्पर्श किया है, आपके परिवार को स्पर्श किया है, आपके बच्चों को स्पर्श किया है, आपके परिस्थिति में उतर आया है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु के सामने अपने घुटनों को ठेकें। Alleluia, 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 Alleluia.
आ